एक्टिव एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील यादव है और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम अभी 2019 का जो वैकेंसी था उसमें एक नया अपडेट आया है। तो वहाँ अपडेट कुछ इस प्रकार से है कि यदि आपका आवेदन आपने किया हो तो आपका आवेदन यदि निरस्त हुआ है फोटो एवं सिग्नेचर के कारण तो आप उसे अपडेट कर सकते हो। और क्या क्या इसमें और भी पॉइंट हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल सबसे पहले तो नए मेहमान बनकर आए तो चैनल पर जरूर जाइए, नहीं मेरा मतलब है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए क्या क्या वो अपडेट हैं। तो सबसे पहला अपडेट तो ये है कि यदि आप एक आवेदन करता है रेलवे ग्रुप डी के लिए तो आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक करें कि क्या वो रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। आवेदन चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी आवेदन क्रमांक होना चाहिए आपके पास और DOB होना चाहिए, तो उससे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते। और उसमें अगला पॉइंट है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वहाँ अपना नवीनतम फ़ोटो ही उसमें अपलोड करें, साथ ही अपने हस्ताक्षर भी उसमें अपलोड करें। और साथ ही देखिए यदि आप दलालों से सावधान रहिए क्योंकि यहाँ पे जो रेलवे डिपार्टमेंट है उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी के बहकावे में ना आए। जो उसकी वेबसाइट है जो RRB की वेबसाइट है केवल उसी का नोटिस पे ध्यान रखें, फालतू की इन्फॉर्मेशन पे ध्यान ना दें। और देखिए इस भर्ती के बारे में जो RRB की वेबसाइट है केवल उसी पे प्रकाशन होगा तो आप उसको बार बार देखते रहिए, क्योंकि यदि आप उसको नहीं देख रहे हो और आपके सामने कोई सा भी ऐसा फर्जी नोटिफिकेशन आता है जिसको देखते हुए आप उसको सही समझ लो तो इससे आप सावधान रहिए। और जो आपका फ़ोटो और आवेदन करेक्शन करने का दिनांक है वो 15 दिसंबर 2021 है, तो आप उस दिनांक से पहले पहले अपना फॉर्म स्टेटस चेक करें। देखिए क्या वो नोटिफिकेशन है, मैं आपको उस नोटिफिकेशन पर भी ले चलता हूँ, साथ ही उस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर भी उसे चेक कर सकते हो। देखिए नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका लिंक एक्टिव होगा वो 15 दिसंबर 2021 को एक्टिव होगा और यहाँ RRBS की वेबसाइट पर एक्टिव होगा। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए केवल आप एक बार ही उसको अच्छे से अपलोड कर सकते हो, इसके बाद आपका कोई चांस नहीं होगा। और आपको सूचना दी जाती है कि आप अपने स्टेटस जरूर चेक कीजिए कि वहाँ एक्सेप्ट है रिजेक्ट है। इसके लिए आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका DOB होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी प्रकार से गुमराह ना हो, ठीक है, उसके लिए केवल आपको उसकी वेबसाइट ही देखना है। RRBS एंड RRCS वेबसाइट को बार बार देखते रहिए, जो भी इस पर अपडेट आएगा केवल उसी पर आपको फोकस करना है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।